ब्लॉग में। दोस्तों अभी दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं और कुछ ही टाइम पहले अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो आज मैं छुट्टी का सदुपयोग कर रही हूँ और फर्स्ट ट्रिप कर रही हूँ अहमदाबाद के मेट्रो में। तो आपको भी ले चलती हूँ अपने साथ मेट्रो ट्रेन की यात्रा में, जुड़े रहिए इस ब्लॉग में। तो ये है दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रेड लेन वाली मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और लोग लाइंस में लगे हुए हैं टिकट काउंटर के, डिफरेंट टिकट काउंटर्स हैं यहाँ पे, डिसेबल्ड के लिए भी अलग से टिकट काउंटर, और ये पूरा नक्शा दिया हुआ है रेड लेन से जो जो डायरेक्शन में जो जो लोकेशंस में ट्रेन पहुँचाने वाली है। अभी हाल फिलहाल 6 अक्टूबर 2022 में ही इनॉग्रेट किया गया है और उस समय से ये ट्रेन मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई हैं, और इस तरीके से यहाँ पर आपको जिस डेस्टिनेशन में जाना है वहाँ तक का टिकट लिया जाता है, जिसकी जगह पर आपको मिलता है एक कूपन, छोटा सा एक कॉइन, और वो कॉइन को आप स्कैन करके दरवाज़ा ओपन होता है जैसे आप ये देख रहे हैं, और आप जा सकते हैं मेट्रो की तरफ। ये तो आप देख रहे हैं मोटेरा स्टेडियम है, और साथ में यहाँ पे टिकट काउंटर के लिए मशीन्स भी हैं, लगी हुई हैं जहाँ से आप टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन अभी न्यू स्टेशन है तो शायद लोग इससे ज़्यादा परिचित नहीं हैं इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। और आप देखिए पूरा प्रमाइसेस बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से होर्डिंग्स लगाई गई हैं, डिफरेंट भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके डिटेल्स के साथ यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दिया गया। और ये है यहाँ से मेट्रो ट्रेन जाएगी, आप देख रहे हैं जो बैरिगेट्स लगे हुए हैं, जैसी ट्रेन आती है ये ओपन हो जाते हैं, और अब हम वेट कर रहे हैं हमारी मेट्रो ट्रेन के आने का। ये जो मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई है दोस्तों, ये फर्स्ट फेज़ की मेट्रो ट्रेन है, और इसमें दो लाइन जो है ब्लू लाइन और रेड लाइन से अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए ट्रेन जाती है। हम जिस लाइन को कवर कर रहे हैं वो है रेड लाइन, और ये मोटेरा स्टेडियम से स्टार्ट होती है, और हमने लिया है उस्मानपुरा तक की टिकट जो पर पर्सन 15 रुपये किराया है। बच्चे भी वेट कर रहे हैं, ट्रेन आने में ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट बाकी हैं, और 15 से 20 मिनट की फ्रीक्वेंसी में मेट्रो ट्रेन आती रहती है, और 10 मिनट जितने बचे हैं इसलिए जो पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पे बैरिगेट के आसपास लोगों को खड़े होने के लिए मना कर रहे हैं, ताकि अभी क्योंकि नई नई ट्रेन स्टार्ट हुई है तो लोगों को आइडिया नहीं है। अब देखिए ये ट्रेन जो है वो आ चुकी है, और अब हम बैठने जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन में अपनी फर्स्ट यात्रा तय करने के लिए। Thank you.
लोग बहुत ज़्यादा उत्साही हैं, बच्चे भी जो हैं आप देखिए वो भी बहुत खुश हैं। और यहाँ पे ट्रेन के अंदर ही दोस्तों ये दोनों लाइन जो हैं, रेड लाइन और ब्लू लाइन, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। साथ में कोई भी स्टेशन, आप कौन से स्टेशन में पहुँचने वाले हो, उसमें लाइट ब्लिंक होने लगती है जिससे पता चल जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन ये है और आप जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हो, तो आप इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फाइनली ये डोर ओपन हुआ और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं, उस्मानपुरा मेट्रो स्टेशन। और अब हम ढूँढ रहे हैं कि यहाँ से हमें उतरना कहाँ से, तो ये जो बस हम जहाँ से उतरे वहाँ से ही साइड में स्टेयर्स हैं और यहाँ से उस्मानपुरा का एग्ज़िट गेट है, जो हमने टिकट कॉइन के फॉर्म में लिया था वो यहाँ सबमिट करके हम एग्ज़िट कर सकते हैं। टिकट्स की जहाँ तक बात है, छोटे बच्चे जो 90 सेंटीमीटर 3 फीट के हाइट के हैं उनका टिकट नहीं लगता है। और इस तरीके से अब हम यहाँ से निकल गए हैं बाहर और आप देख सकते हैं इस तरीके से ओवर हेड वाली जो यहाँ पे मेट्रो बनी उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। अंडरग्राउंड जो है वो कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास में मेट्रो का स्टेशन है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं उस्मानपुरा, तो पास में ही बाटा का शोरूम है, तो चलिए वहाँ भी थोड़ी शॉपिंग कर ली जाए और फिर वापस चलेंगे उस्मानपुरा से अपनी डेस्टिनेशन मेट्रो के सफ़र में। मंती, वेयर आर यू गोइंग? मंतू किसमें बैठ? कौन सी ट्रेन? कौन सी ट्रेन? टेल द नेम। नो, मेट्रो ट्रेन। व्हिच ट्रेन? एंड मंती, वेयर आर यू गोइंग? मंती, मैं तो ट्रेन में गया था। जा रहा है मंती बैठ। दिस इज द कॉइन दैट व्हाट यू आर डूइंग? क्या देखना है मंती? तो टोटल 18 मिनट के इंतजार के बाद दोस्तों अब आखिरी 5 मिनट बचे हैं और हमारी ट्रेन 5 मिनट के अंतर्गत आने वाली है। यहाँ पे सिर्फ 4 मिनट बचे हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है जब 4 से 5 मिनट बाकी होते हैं। आप देख रहे हैं बीच में से ये जो ट्रेन जा रही है दूसरे लाइन की ट्रेन है।
और इस तरीके से थ्री यहाँ पे लाइंस बनी है, मतलब यहाँ पे थ्री लाइंस की डिफरेंट डिफरेंट फेज की ट्रेन्स जाने की अवेबिलिटी है। तो चलिए आखिरी दो मिनट, और दूर से ही दिखाई दे रहा है कि हमारी ट्रेन आ गई है और बिल्कुल नज़दीक है। आ जाए चलो सो फ्रेंड्स, फाइनली फर्स्ट ट्रिप मेट्रो की कंप्लीट करके अब मैं घर वापस जा रही हूँ। काफ़ी अच्छी ट्रिप रही मेट्रो की, और फर्स्ट फेज की ही जो है अभी ये मेट्रो ट्रेन यहाँ अहमदाबाद में स्टार्ट हुई है, लेकिन इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। और किराया भी बहुत यहाँ पर रिजनेबल है मेट्रो ट्रेन का, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स के रेगुलर इंटरवल्स में ट्रेन आ जाती है। हाँ, बस एक बात है, क्योंकि अभी अभी न्यू स्टार्ट हुई तो लोगों में बहुत ज़ील और एंथुजियाज्म है, तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। प्रेफर करिए सैटरडे संडे ना जाइए और वीकेंड में ना जाइए। अभी दिवाली की छुट्टियां हैं तो रेगुलर ही डेली बेसिस पे यहाँ भीड़ हो रही है, लेकिन वीकेंड में थोड़ा कम प्रेफर करिए। अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो वीकेंड में मत जाइएगा। ऐसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेट्रो ट्रेन का। आप भी अगर अहमदाबाद रह रहे हैं तो ज़रूर मेट्रो में जाइए और मेट्रो के सफ़र का आनंद लीजिए। इट इज़ रियली अ गुड एक्सपीरियंस। मिलते हैं जल्द ही नए ब्लॉग में। बाय एवरीवन, टेक केयर।